तीन चार दिन बच्चे क्या बीमार पड़े ना मेरी भी हालत डमाडोल हो गई एंड मैं जल्दी से जल्दी चाह रही थी कि नवरात्रि ऑर्डर सारे कंप्लीट करके मैं लगूँ अपने यूके कस्टमर की सारी कस्टमाइजेशन ऑर्डर में जिसमें कि मुझे पॉल वाली साड़ी रेडी करनी है ऑर्डर आ रखा है पेमेंट आ रखा है लेकिन अभी मैंने उस साड़ी को हाथ नहीं लगाया आज सोच ही रही थी लेकिन तब तक में मेरी तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़ गई एंड हमने वीडियोग्राफर भी ठीक कर रखा है हमने सोचा है कि जब हमारे यूके कस्टमर वाली साड़ी रेडी होगी ना तब मैं उस साड़ी पर वीडियो बनवाऊंगी एंड इसके साथ ही एक जो अभी हाल फिलहाल में मेरा गया है ना उसमें सेम ऑर्डर आया है सेम टू सेम तो उनके आजकल में पेमेंट आने वाले हैं तो अगर वो साड़ी भी रेडी रही ना तो वापस से उसका एक बढ़िया सा शूट हो जाएगा एंड uh, जो हमारे यूके कस्टमर है उनको बहुत सारे अलग अलग कलर के इलास्टिक वाले ब्लाउज भी चाहिए तो uh, मैं जाऊँगी मैं तो नहीं जा पाऊंगी मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी घर पर मेरे हस्बैंड जाएंगे एंड लेके आएंगे सारे कलर ही मैंने कहा कि लेके आ जाना जिस उनमें से जो उनको पसंद आएगा वो अपना ले लेंगे बहुत सारे ब्लाउज उनको लेने चार तो उन्होंने फाइनल कर रखे हैं एंड उसमें से जितने भी कलर्स होंगे वो बोले कि एक बार भेजने के लिए तो देख के फाइनल करेंगे एंड डॉक्टर से दिखाने के बाद हम आ गए थे यहां पे कस्टमाइजेशन करने के लिए एंड मेरी तबीयत के बारे में मैंने ना पहले से मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा लेकिन मेरा थोड़ा सा ज्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ गया था एंड इतना टाइम मिल नहीं रहा था एंड हम लोग हेल्पर भी ढूंढ रहे थे एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है एंड हमें पर आ, मिल जाएगी खाना बनाने के लिए बर्तन धोने के लिए एंड बच्चों को संभालने के लिए जैसे ही मिलेंगी थोड़ा प्रॉब्लम और सॉल्व होगा क्योंकि मैं चाह रही हूँ ना कि क्लास के टाइम जो तीन चार घंटे का क्लास का टाइम होता है ना उस टाइम पे बच्चे को चुप करा के हॉल में रखना या इधर रूम में रखना कोई ऐसा कर सके तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए एंड पता है ऐसे भी हम लोग ना तीन चार हज़ार पेट्रोल में फूकते हैं बच्चों को वहाँ तीन चार घंटे के लिए पहुँचाते हैं फिर लेके आते हैं एंड कभी ये ज़्यादा काम रहा तो एक अद्रा छोड़ भी देते हैं और फिर उसके बाद हॉस्पिटल के चक्कर ये सब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो चुका है हद हो चुकी है एकदम तो हम चाह रहे थे कि थोड़ा इन सब चीज़ों को सेटलमेंट सेटल करने का टाइम आ चुका है कामों को एंड हर किसी का समय ऐसा ही होता है कि जैसे तैसे काम वो मैनेज कर रहे होते हैं लेकिन एक समय आता है जब उन्हें लगता है कि नहीं अब सब कुछ को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में करने का समय आ चुका है एंड हमारा भी वो समय आ चुका है क्योंकि सामने बहुत सारे लोग हैं जो इतना सारा प्यार दे रहे हैं सपोर्ट दे रहे हैं जो लोग इस समय पर हमसे ऑर्डर्स कर रहे हैं हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर रहे हैं उनको ढेर सारा थैंक यू क्योंकि आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट पर मेरी मेरे बच्चों की मेरी पूरी फैमिली की लाइफ टिकी हुई है एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चाहूँगी आप लोगों को इतने सारे प्यारे प्यारे ऑर्डर्स देने के लिए एंड ये अभी मैं अपनी अनिमा एक कस्टमर है वो मेरी रेगुलर कस्टमर बन चुकी है एंड उनके अभी मैं वापस से ऑर्डर कस्टमाइज कर रही थी इसी बीच हमें कुछ नए ऐसे इंटरेस्टिंग ऑर्डर्स मिले हैं कुछ ऐसे एक होता है ना कि हमें आगे के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है वो मैम आपको एक दो दिन में शेयर करेंगे